आपको आप फॉर्मुलेशन नहीं करने लगे, इसलिए आप लोगों को इतना गाइड करना जरूरी है कि आपके जो ग्लिटर के साइज हैं वो जितने अच्छे होंगे और उसका वो मल्टीक्रोम या ड्यूक्रोम होगा तो वो ग्लिटर जो है वो अच्छा होगा। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं अतफ नाजिम और मेरे चैनल पे मिलती हैं आप लोगों को बहुत सारी प्रोफेशनल क्लासेस। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे आप लोगों को देती हूं बहुत सारी प्रोडक्ट के रिव्यूज। तो आप लोगों को जो आज क्लास देने जा रही हूं इसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है क्योंकि आज मैं बात करूंगी ग्लिटर्स पे। ग्लिटर्स कितने किस्म के होते हैं, कौन से ग्लिटर चूज करने चाहिए, कौन सा साइज ग्लिटर का आपको लेना चाहिए, ये सब इस वीडियो में बताऊंगी। जब इतनी डिटेल आप लोगों को दूंगी तो दोबारा आप लोगों को ग्लिटर पे पैसे जाया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वही ग्लिटर लेंगे जो अच्छा होगा और जो आपकी जरूरत होगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ग्लिटर्स जो हैं उनको भी मैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी और मैं नॉर्मल रेंज के ग्लिटर्स भी आपको बताऊंगी। तो पहले मैं इन सब ग्लिटर्स की आपको डिटेल दूंगी, इसके अलावा जी आप लोगों को मैं ये सारे ग्लिटर्स दिखाऊंगी भी ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये क्लास बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए, मोस्ट पॉपुलर ग्लिटर्स भी आप लोगों को पता चलेंगे और जो लो लेवल पे लो प्राइसेस पे आपको जो अच्छे ग्लिटर्स मिलते हैं वो कैसे आपने लेने होते हैं ये भी आप लोगों को बताऊंगी। तो डिटेल सारी ग्लिटर्स की और ग्लिटर्स बनते कैसे हैं ये भी सारा कुछ आपको पता चलेगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप लोगों का कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जी तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ए टू जी ऑफ ग्लिटर्स, अब ये मैंने क्यों लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे तमाम काइंड जो है वो आप मेंशन कर दी है, ठीक है, कि कौन कौन से ग्लिटर्स होते हैं, पिगमेंट क्या होता है, डोक्रोम क्या होते हैं, मल्टीक्रोम क्या होते हैं और प्रेस ग्लिटर क्या होते हैं। तो ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बताना है। जी तो सबसे पहले जो ग्लिटर है वो है जी लूज ग्लिटर। जैसे ही लूज ग्लिटर की बात आती है तो आप लोगों के जहन में खुद ब खुद आ जाता होगा कि जो लूज फॉर्म में होते हैं, जो पाउडरी फॉर्म में ग्लिटर्स होते हैं वो लूज ग्लिटर्स होते हैं। अब इन ग्लिटर्स में भी काफी ज्यादा फॉर्म्स होती हैं, इन ग्लिटर्स को अगर आपने लेना है। अच्छा, सबसे जो मजे के ग्लिटर्स लगते हैं ना वो लूज ग्लिटर्स ही लगते हैं। इनको आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं, इनको आप कम जेल के साथ भी आप इनको यूज कर सकते हैं और फिर जो ऊपर वाले होते हैं एक्स्ट्रा उनको आप डस्ट आउट कर देते हैं। अब इन ग्लिटर्स को लेने के बहुत ज्यादा ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, वो ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊं कि जो ग्लिटर्स होते हैं ना इनके साइजेस होते हैं। अब अगर मैं साइजेस की बात करूं तो आप लोगों को शायद इतना अच्छा समझ ना आए क्योंकि फॉर्मुलेशन मैं आप लोगों को नहीं बताना चाह रही, मैं आप लोगों को बस इतना गाइड करना चाह रही हूं सिंपल लैंग्वेज में। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए जो भी ग्लिटर आपने लेना है जो ग्रेन है वो बहुत छोटा होना चाहिए, उनका जो चंक है वो बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। जो लूज ग्लिटर्स हैं उनका एक तो बहुत मोटा मोटा सा ग्लिटर होता है। अक्सर आप क्राफ्ट के जो ग्लिटर्स हैं मेकअप में यूज कर रहे होते हैं तो क्राफ्ट के ग्लिटर्स जो है ना मेकअप में यूज ना किया करें, बहुत मोटी फॉर्म में होते हैं वो और वो मल्टीक्रोम या ड्यूक्रोम भी नहीं होते। अब ड्यूक्रोम और मल्टीक्रोम क्या होते हैं ये भी मैं नीचे तक आती हूँ तो आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन लूज ग्लिटर्स में आप ये समझें कि जो आपको एक मल्टी इफेक्ट दे रहे हो और बहुत बारीक फॉर्म में हो वो होते हैं जी अच्छे ग्लिटर्स, ठीक है ना। ये जब मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ तो फिर आप लोगों को समझ आएगी, पिक्चर्स में आपको मैं थोड़ा सा गाइड करती जा रही हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम चंकी ग्लिटर्स पे। चंकी ग्लिटर्स जो है वो डिफरेंट लुक्स क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। चंकी ग्लिटर जो है वो मोटे ग्रेन वाले यानी चंक्स, चंकी से आप लोगों को समझ आ रही होगी कि चंक्स। अब चंकी ग्लिटर ये भी होता है लेकिन ये इसके चंक्स बहुत बारीक होते हैं और एक चंकी ग्लिटर ये होता है। अक्सर चंकी ग्लिटर्स को राउंड वाले ग्लिटर्स, स्टार वाले ग्लिटर्स और ट्रायंगल और डिफरेंट जो शेप्स होती है ना उनको मिला के बनाया हुआ होता है। तो ये चंकी ग्लिटर जो है डिफरेंट लुक क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं, ब्लॉगर्स यूज कर रहे होते हैं इनको। आपने ड्रामेटिक लुक कोई क्रिएट करनी है तो उसके लिए यूज किए जाते हैं, फंकी मेकअप के लिए यूज किए जाते हैं। इवन आप लोगों को मैंने ग्लिटर वॉम्ब एक दिखाया था ये वाला, इसके साथ मैंने एक लुक भी क्रिएट करके दिखाई थी आपको, एक आई मेकअप मैंने किया हुआ बहुत जबरदस्त, तो उसमें मैंने इसको यूज किया था। तो ये भी इसमें भी कोई स्टार फॉर्म का है, कोई बारीक है, कोई मोटा है, तो ये होते हैं जी चंकी ग्लिटर। मैं अभी इसको खोल के भी दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम प्रेस ग्लिटर पे। अब प्रेस ग्लिटर क्या होते हैं, प्रेस ग्लिटर जैसे नाम से ही समझ आ रही है कि मैं आपको पहले दिखाती हूँ फिर आपको समझ आएगी। ये होते हैं जी प्रेस्ड ग्लिटर, ठीक है ना। अब ये जेल फॉर्म में होते हैं, अगर हम इनको यूज करें तो आप ये देखें कौन सा वाला लूम मजे वाला, ये खुद ही स्टिक हो जाते हैं, इसके लिए हमें जेल की जरूरत नहीं पड़ती। और ये वाला जो है ना ये मल्टी क्रोम है, यानी डिफरेंट इफेक्ट आ रहे हैं इसमें, ये जो है ये प्लेन है। तो अगर आपने ये वाले ग्लिटर्स लेने हैं तो ये ग्लिटर्स जो हैं ये
जेल फॉर्म में होते हैं, इसको बनाने के लिए बाइंडर यूज किया जाता है, जेल यूज की जाती है, ताकि यानी इसमें एक इंग्रेडिएंट और होता है इसको फिक्स करने के लिए, और ये इजी टू अप्लाई होते हैं, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। की डिटेल मैंने आप लोगों को देनी है, लेकिन वो मैं अभी पैलेट को जब आपको बाकी सारे दिखाऊंगी तो उसमें आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगी। अब आ जाते हैं जी हम डियोक्रोम पे। डियोक्रोम वो ग्लिटर्स होते हैं जिसका इफेक्ट, यानी ऐसे ग्लिटर जो दो तीन इफेक्ट देता है, दो तीन कलर के इफेक्ट आते हैं, ये जो है ना फाइनेस्ट फॉर्म होती है ग्लिटर्स की, डियोक्रोम और मल्टीक्रोम। ये दोनों ग्लिटर्स जो हैं बहुत एक्सपेंसिव वाले ग्लिटर होते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ कि अगर आपने छोटे 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 ग्लिटर्स लेने हैं तो एक दफा अच्छे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा ग्लिटर ले लें, ठीक है ना। तो आपको डियोक्रोम और मल्टीक्रोम मिल जाएंगे। डियोक्रोम जब बहुत फाइन ग्रेन होता है, और इतना फाइन ग्रेन होता है कि अगर हम उसको जेल में मिक्स करें तो वो शिमरी शेड बन जाता है, यानी आई शेड बन जाता है, इतनी फाइन फॉर्म में होता है वो। और अगर उस ग्लिटर को आप ब्रश के साथ ऐसे भी लगाएं तो वो स्किन के साथ स्टिक कर जाता है। ये जो बहुत ज्यादा फाइनेस्ट फॉर्म में होते हैं, एक ग्लिटर लेने का तरीका ये भी है कि जब आप ग्लिटर लें तो जो पाउडर ग्लिटर या लूज ग्लिटर्स हैं उनको जब आप टेस्ट करते हैं तो वो आपके फिंगर के साथ ऐसे ही स्टिक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो डियोक्रोम जो है वो दो तीन इफेक्ट देता है, मल्टीक्रोम जो है इसमें पांच छह इफेक्ट्स जो है वो आ रहे होते हैं, यानी जब लाइट पड़ती है तो आपको डिफरेंट कलर मल्टी शेड्स उसमें दिखते हैं। बेस उसकी व्हाइट होती है, बेस उसकी गोल्डन होती है, बेस उसकी रेड होती है, यानी अगर आपके पास ग्लिटर है या ग्रीन ग्लिटर है तो उस ग्रीन में भी मल्टी शेड्स होते हैं, उस रेड में भी मल्टी शेड्स होते हैं, ये मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, ठीक है। तो डियोक्रोम और मल्टीक्रोम की भी आपको समझ आ गई होगी, जितना फाइन ग्लिटर होगा उतना एक्सपेंसिव होता है। इसी तरह अगर आप क्राइलॉन के ग्लिटर लेने जाए, आपको 1700 का, 1600 का, 1800 का एक ग्लिटर मिल रहा होता है, उसकी वजह ये होती है कि उसका साइज जो है वो 2M होता है, ठीक है ना, और आगे 4M, 6M, 8M जो है वो नॉर्मल आप लोगों को जो आप ले रहे होते हैं थोड़े सस्ते वाले ग्लिटर्स, 8M साइज होता है उसका। तो जो 2M साइज होता है ना, तो वो जो है वो फाइनेस्ट फॉर्म होती है ग्लिटर की। अच्छा जी, पिगमेंट की तरफ आते हैं जी। पिगमेंट क्या होता है, ये सारी डिटेल्स ना आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब पिगमेंट जो है वो शेड्स हैं, कलर्स हैं, ठीक है ना। आप लोगों को किसी भी चीज में, जैसे हम कोई हमारे पास प्लेन ग्लिटर है उसमें हम एक पिगमेंट डाल देंगे, वो पिगमेंट हम ग्रीन का भी डाल सकते हैं, रेड का भी डाल सकते हैं। तो जब आप पिगमेंट ऐड करते हैं तो वो ग्रीन ग्लिटर, ब्लू ग्लिटर और इसी तरह से ब्लू शेड, ब्लू ग्रीन शेड, रेड शेड बनता है। पिगमेंट के साथ ही आई शेडो बनते हैं, ठीक है ना। पिगमेंट ऐड होता है बाइंडर के साथ, और भी जेल होती है, और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स की हम बात नहीं करेंगे। तो पिगमेंट के अंदर, पिगमेंट जो है वो फाइनेस्ट फॉर्म है शेड की, आई शेडो की, ठीक है ना। तो पिगमेंट को मिला के दो तीन चीजों के मिक्सचर के साथ आई शेडो बनता है। पिगमेंट जो है वो मैं पिक्चर भी आप लोगों को दिखा दी है, ब्लू ग्रीन वही बेसिक कलर आपको मिलते हैं, उन्हीं के साथ आप फॉर्मुलेशन करते हैं, आप बनाते हैं कलर्स, अपनी एक पैलेट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो पिगमेंट इसलिए यूज होते हैं, ठीक है ना, पिगमेंट आई शेडो के लिए यूज होते हैं। अब आ जाते हैं जी लिक्विड ग्लिटर पे। लिक्विड ग्लिटर अक्सर आपको जेल फॉर्म में, अभी जो मैंने आपको ये दिखाया है ये भी लिक्विड ग्लिटर है, ये प्रेस्ड ग्लिटर नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अलावा और भी अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लिक्विड आपको ग्लिटर लाइनर भी मिल रहे होते हैं, वो भी लिक्विड ग्लिटर में आ जाते हैं। तो ये तो थे जी वो चीजें जो आप लोगों को बतानी बहुत जरूरी थी कि आप लोगों को किस किस फॉर्म में ग्लिटर्स मिलते हैं। अब ये ग्लिटर मैंने आप लोगों को बता तो दिए, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और दिखा के आप लोगों को समझाऊंगी कि आपने कौन सा ग्लिटर किस जगह पे यूज करना होता है, मतलब कैसे यूज करना होता है, पार्टी के लिए कौन सा, ब्राइड के लिए कौन सा। तो ये सब चीजें जो है ना वो मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। तो जी, तो अब सबसे पहले देखें कि ये जो ग्लिटर्स हैं यहाँ पे, ये तो मैं अभी आपको पैलेट दिखा चुकी हूँ, इस पैलेट के बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक कॉम्बिनेशन सिल्वर का बनाया हुआ है और एक कॉम्बिनेशन एक कॉम्बिनेशन गोल्डन का है और एक सिल्वर का है, ठीक है। अब ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ना डस्ट भी रखी हुई है, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म होता है, यानी इसको अगर आप मिक्स करते हैं पिगमेंट के साथ किसी, तो शिमरी शेड बन जाता है, ठीक है ना। और अगर इसको एज इट इज भी लगाना हो तो आप इसको एज इट इज भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो है फाइन फॉर्म है, ठीक है, ये ग्लिटर जो है ये फाइन फॉर्म है, और ये जो ग्लिटर है ये थोड़ा चंकी है, ठीक हो गया। अब ये लूज ग्लिटर, और ये भी लूज ग्लिटर है,
ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ, मैं इसके स्वाचेस भी आपको चेक करवाती हूँ, इसको साइड पे कर देते हैं। ग्लिटर लेने आप जब भी जाएं तो वो मल्टी ग्रेन में होना चाहिए, ठीक है ना। एक तो फाइन फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा मल्टी ग्रेन में होना चाहिए। अब इससे भी ज्यादा फाइन फॉर्म है लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, ये भी एक्सपेंसिव वाला है। ये अभी मैं आपको इनको जब बंद करती हूँ तो इनकी ब्रांड्स भी चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए, अगर मैं इसको लगा के दिखाऊं आपको तो ये इस तरीके से है, ठीक है ना। अभी हमने इसमें कोई जेल नहीं ऐड की हुई है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ऐसे ही रख के दिखा रही हूं कि ये इसका टेक्सचर है। अब ये जो क्रिस्टीन वाला है गोल्डन, ठीक है, ये भी मैं आपको चेक करवा देती हूं। ये देखें जी, अब जो मैं आप लोगों को बता रही हूं कि डस्ट है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूं। डस्ट जो है वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है ना। इसको आई शेडो के तौर पे भी आप यूज करते हैं। अब जो ग्लिटर्स हैं उसमें क्रिस्टीन वाला जो है वो गोल्डन है, जरा डल सा गोल्ड है, ठीक है ना। ये वाला थोड़ा ब्राइट गोल्ड है। अब आप खुद देख लें कि आपको किसकी शाइन जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अब अगर इसकी बात की जाए ना क्रिस्टीन वाले की, तो इसके चंक्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ये चंकी जो है ये ड्यूक्रोम है, ठीक है ना, ये मल्टीक्रोम नहीं है, ये ड्यूक्रोम है। और ये ना मल्टीक्रोम है और ना ड्यूक्रोम है, आपको खुद समझ आ रही होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे और लगा देती हूँ, ये देखें। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। अब देखें, ये लाइट पड़ रही है तो बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, लेकिन ये इतना शाइन नहीं कर रहा, तो ये मल्टीक्रोम तो नहीं है लेकिन ड्यूक्रोम है। अच्छा, इसी तरह मैंने सिल्वर का भी एक बनाया हुआ है सेट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बारीक फॉर्म है, ये थोड़ा सा चंकी है और ये डस्ट है। डस्ट जो है ना वो अक्सर अगर आपको आई शेडो आपके लाइट लग रहे होते हैं तो आप डस्ट लगा के उनको डार्क कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गोल्डन लगा के दिखाया तो ये बड़ा अच्छा सा एक आपका ना आई शेडो जो है वो इनहेंस हो जाता है। अब अगर मैं सिल्वर डस्ट आपको लगा के दिखाऊं तो ये जो सिल्वर डस्ट मैं यूज कर रही हूं ये भी क्रिस्टीन की है, ठीक है। ये इनकी डस्ट हो गई जी सिल्वर, ठीक है। अब जी मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ फाइन फॉर्म सिल्वर ग्लिटर की। ये मैंने ऐसे ही कोई एक लोकल कंपनी है सूफिया, उसकी उसका लिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। चलें जी, ये मैं अब आपको लगा के दिखा रही हूँ जो बहुत बारीक ग्रेन है, जिसका बहुत ही प्यारा शेड है ये भी, ठीक है, सिल्वर का। अब हम बात करते हैं जी ये क्रिस्टीन वाले की, ठीक है। मैं यहां रख लेती हूँ, ये थोड़ा चंकी है, ठीक है। तो अब आप ये देखें जो फाइन ग्रेन वाला है वो कितना अच्छा है, क्योंकि वो ड्यूक्रोम है। और अब ये जो इनका सिल्वर है ना क्रिस्टीन का, ये प्लेन है ना, ये ड्यूक्रोम है ना ये मल्टीक्रोम है। ड्यूक्रोम जो है वो मल्टी इफेक्ट देता है, तो सॉरी दो से तीन इफेक्ट दे रहा होता है, लेकिन जो मल्टीक्रोम है वो ज्यादा देता है, ठीक है ना। लेकिन ये ड्यूक्रोम है और ये जो है ये प्लेन है। अब देखें, अगर क्रिस्टीन की बात की जाए तो उनका गोल्डन अच्छा है, सिल्वर अच्छा नहीं है। तो ये सिल्वर जो है वो बहुत खूबसूरत, क्योंकि इसका ग्रेन देखें आप फाइन है। तो जब भी ग्लिटर लेने जाएं आप फाइन ग्रेन का लें, ठीक है। ये सिल्वर और गोल्डन मैंने आप लोगों को दिखा दिए। अब ये ग्लिटर तो जो है ना ये चंकी है, ठीक है ना। मैंने एक आप लोगों को टाइप पढ़ाई है चंकी, लेकिन चंकी होने के साथ साथ ये मल्टी ग्रेन है, ठीक है ना, सॉरी मल्टी क्रोम है। एक मैंने आपको ड्यूक्रोम पढ़ाया है, एक मल्टीक्रोम पढ़ाया है, ऐसा ही है। तो जो ड्यूक्रोम है वो ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना, और जो मल्टीक्रोम है, अब आप देखें इसमें आपको कितने ज्यादा शेड्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है मल्टीक्रोम की मेरे पास, ये देखें। खैर, इसको अब ये लाइट में इतना अच्छा आपको नहीं पता चलेगा, ये आप लोगों को मैं खोल के दिखाती हूँ। तो ये जो ग्लिटर है ना, चले ये खुद ही आ गया इधर मेरे हाथ पे, ये देखें। अब आप इसके ग्रेन्स चेक करें, ये मल्टीक्रोम है ये वाला, ठीक है। तो जब आपने बहुत अच्छी कोई ग्लैमरस सी लुक क्रिएट करनी होती है तो आप ये वाले ग्लिटर्स यूज करते हैं, और ये ग्लिटर्स जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। अब आप खुद देखें कि ये जब आपको फाइन फॉर्म में भी मिलेंगे तो ये कितने खूबसूरत लगेंगे। अब ये मल्टीक्रोम की और ड्यूक्रोम की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो मल्टीक्रोम ग्लिटर जो है वो ये वाले होते हैं, ये देखें जितना आप इसको फैला रहे हैं ये और खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बाकी सारी टाइप्स दिखा दी हैं, ये मैंने आप लोगों को मल्टीक्रोम दिखा दिया। अब मैं ये हैंड साफ करती हूँ और मैं नेक्स्ट आप लोगों को और मैं आप लोगों को ग्लिटर दिखा देती हूँ। ये भी मेरे पास मल्टीक्रोम है, ठीक है ना, और ये सस्ता वाला है। अगर आप कोशिश करें ना तो आपको सस्ते ग्लिटर्स भी जो है ना वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है।
लेकिन बस देख के लेना पड़ता है, थोड़ी सी आपको गाइडलाइन, जैसे अब मैं आप लोगों को बता रही हूं ना, अगर आपको इस तरह से पहले से किसी ने बताया होता तो आप अपने पैसे जाया ना करते। अक्सर जब लड़कियां नया नया सीखना शुरू करती हैं तो बहुत इन्वेस्टमेंट करती हैं अपनी प्रोडक्ट्स पे। एक तो ये, अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं ये मैंने लिया कहां से है, ये मैंने लिया है जी रहीम स्टोर से और कोई लोकल ही ब्रांड है। ये देखें जी, ये जेनिका है, ये सॉरी लोकल नहीं है, अच्छा जेनिका है और ये मैंने आई थिंक 300 में लिया था। और आप ये देखें इसके चंक्स मल्टी क्रोम है और बहुत ही खूबसूरत है। तो अब आप लोगों को मल्टी क्रोम और ड्यूक्रोम की जब समझ आएगी ना तो आप ग्लिटर लेने के मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब देखें, अगर इस पैलेट की तरफ देखें, इस पैलेट की तरफ आएं तो ये पैलेट जो है इसमें कोई भी ना ड्यूक्रोम है ना मल्टी क्रोम है, एक लाइट सा ये है, ये वाला शेड है जो कि ड्यूक्रोम आप इसको बोल सकते हैं, और ये जो है इसको आप ड्यूक्रोम बोल सकते हैं। इसमें थोड़े से ना एक आधा इफेक्ट मुझे नजर आ रहा है, शायद आप लोगों को ना नजर आए, मेरा कैमरा भी आगे नहीं आ पा रहा। ये देखें जी, अब आपको शायद नजर आए, तो इस शेड में मल्टी इफेक्ट है थोड़ा सा, और इसमें बाकी ये सारी पैलेट जो है ना ये प्लेन ग्लिटर्स हैं, ये सिंपल ग्लिटर्स हैं। अच्छा आप लोगों को ये भी बताती चलूं कि जो प्रेस ग्लिटर बनते हैं ना वो बनते थोड़े मोटे ग्रेन वाले से, अगर ये बारीक ग्रेन से बनेंगे तो वो ग्लिटर नहीं बन पाएगा, ग्लिटर जेल नहीं बन पाएगी, क्योंकि यानी प्रेस ग्लिटर नहीं बन पाएगा, वो आई शेडो बन जाएगा। अब आप देखें कि जब बहुत बारीक ग्रेन की तरफ जाएंगे तो ऐसे डस्टी फॉर्म में होगा, जब हम इसमें जेल फॉर्म यूज करेंगे या इसमें हम बाइंडर यूज करेंगे तो वो हो जाएगा जी, यानी आई शेड की फॉर्म में आ जाएगा। और इसके स्वाचिज में अभी आप लोगों को चेक करवाती हूँ। अब मैंने आप लोगों को ये भी दिखा दिया, ये देखे ना, मैंने कहा कि आप लोगों को पहले मैं मल्टी क्रोम और ड्यूक्रोम का फर्क समझाऊं, तो मल्टी क्रोम और ड्यूक्रोम ग्लिटर्स जो हैं, बस आपने ये दो फॉर्म समझनी है तो आपको सारे ग्लिटर लेने आ जाएंगे, चाहे फिर आप लूज लें, चाहे फिर प्रेस लें, चाहे आप चंकी ग्लिटर लें, चाहे फिर आप लिक्विड ग्लिटर लें। अब लिक्विड ग्लिटर की बात की जाए तो लिक्विड ग्लिटर ये देखें जी, ये रिवाज का मेरे पास है। अब ये ग्लिटर जो है ना मल्टी क्रोम है, क्योंकि आपको इसमें इफेक्ट नजर आ रहे होंगे, तो एक तो ये गोल्डन है और गोल्डन होने के साथ इसके जो ग्रेन्स हैं वो मल्टी हैं। आप गौर से चेक करें जरा, ये ग्लिटर लाइनर है और इसको आप एज अ ग्लिटर भी यूज कर सकते हैं, यानी शेड लगा के और थोड़ा थोड़ा आप लगा सकते हैं। तो ये भी मल्टी क्रोम है, इसका नंबर 14 है, ठीक है, और ये आपको मिलेगा तकरीबन 250 रुपीज तक में, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छा, यानी मल्टी क्रोम की और लिक्विड ग्लिटर में ये भी आ जाता है, जो ग्लिटर बॉम्ब मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब आप ये देखें कि कितना चमचम कर रहा है ये जो ग्रीन ग्लिटर है मेरे हाथ पे। इसी तरह मैं आप लोगों को मल्टी क्रोम भी दिखा देती हूँ इसमें लिक्विड में। अब ये ग्लिटर बॉम्ब जो है मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, इसके साथ मैंने एक लुक भी क्रिएट की हुई है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब अगर इसको मैं फैलाऊं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चंकी ग्लिटर होते हैं वो लुक्स क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। अब इसमें देखें छोटा बारीक गोल हर ग्लिटर जो है वो आपको नजर आ रहा है, ये देखें जी, ठीक है। तो ये सारी फॉर्म मैंने अब आप लोगों को समझा दी है। अच्छा एक और फाइन फॉर्म मैंने आप लोगों को कल दिखाई थी, जो आई वन मेकअप वाली क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इनका जो ग्लिटर है जिसका नंबर है जी 04, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को चेक भी करवाया था। ये जो है ना ये भी डस्टी फॉर्म में ग्लिटर है, बहुत अच्छी और फाइन फॉर्म है, ये ऐसे ही पेस्ट हो जाता है, इसको बहुत ज्यादा आप लोगों को कोई जेल शेल लगाने की जरूरत नहीं। बस करना ये है कि आपने हल्का सा थोड़ा सा बस आपने ना अपने आई शेडो को जैसे वेट आपने अप्लाई किया तो वेट पे भी लगा देंगे तो बड़ा अच्छा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा फाइन फॉर्म है, ठीक है, इतनी फाइन फॉर्म भी जो है ना बहुत गुड रहती है, लेकिन इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इतनी आपको मिल जाए तो ये 4 mm का साइज है, ठीक है ना, 4 mm का साइज है और ये जो है फाइनेस्ट फॉर्म है। तो साइजेस से आपने क्या लेना, खैर आपको आप फॉर्मुलेशन नहीं करने लगे इसलिए आप लोगों को इतना गाइड करना जरूरी है कि आपके जो ग्लिटर के साइज हैं वो जितने अच्छे होंगे और उसका वो मल्टी क्रोम या ड्यूक्रोम होगा तो वो ग्लिटर जो है वो अच्छा होगा। अच्छा जी, अब प्रेस ग्लिटर की बात की जाए, इजी टू अप्लाई है, बिगनर के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग ये अपने पास रखते हैं तो बहुत अच्छी आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, कभी कभी आप लोग प्लेन ग्लिटर भी यूज कर रहे होते हैं। तो अब ये ग्लिटर जो है ना मल्टी क्रोम है ना ड्यूक्रोम है, ठीक है ना। ग्लिटर्स लेने के लिए आपको दो सेंसेस समझनी जरूरी है, या तो वो मल्टी क्रोम हो या वो ड्यूक्रोम हो। मल्टी क्रोम जो है वो ज्यादा इफेक्ट देता है, ड्यूक्रोम जो है वो 2 से 3 इफेक्ट देता है। तो और जब ये दोनों ड्यूक्रोम और मल्टी क्रोम फाइनेस्ट फॉर्म में मिल जाए आप लोगों को तो फिर तो बात ही कुछ और है, जैसे कि ये है, ठीक है ना। तो अब इसके स्वाचिज आपको, ये जो मैं कह रही हूं कि शायद
ड्यूक्रोम है, तो ये मैं आपको चेक करवा दूं, तो इसके स्वाच जो है वो आपको खुद ही फर्क समझ आएगा कि अब मैं इन ग्लिटर में और इन ग्लिटर में क्या फर्क है, ठीक है ना। अब ये वाला जो है ये भी आपको चेक करवा देती हूँ। तो बस अगर काम चलाने के लिए चाहिए तो ये ठीक है, अदरवाइज ये पिंक जो है ना वो बहुत प्यारा है, ये अच्छी, ठीक है। तो आज मैंने ग्लिटर की ए टू जी आपके सामने रख दी है, आप लोगों को सब कुछ गाइड कर दिया है, सब समझा दिया है कि ग्लिटर्स आपने कैसे परचेज करने हैं। अगर आप ज्यादा लेना इसको एज अ शेडो यूज करें तो आप अगर इतना लगाएंगे तो भी ये उतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा जितने अच्छे ये दे रहे हैं। यहाँ पे एक और छोटी सी बात मैं ऐड करती चलूं कि जो फाइन फॉर्म होती है वो ब्राइड्स पे बहुत अच्छी लगती है, लाइट्स में चमकती है। मल्टीक्रोम और ड्यूक्रोम जो हैं वो फाइनेस्ट फॉर्म के जो ग्लिटर्स हैं वो ब्राइड पे बहुत अच्छे लगते हैं, पार्टीज में बहुत अच्छे लगते हैं। आपने नॉर्मल रूटीन में लगाने हैं तो फिर आप अगर ड्यूक्रोम भी लगाएं तो भी अच्छे लगते हैं, अगर आप ये सिंपल वाले लगाएं तो भी अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। और जो चंकी ग्लिटर्स का मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, और इसका भी मैंने आप लोगों को डस्ट का भी बताया कि इसको आई शेडो को इन्हेंस करने के लिए अगर मैट लगाया हुआ है और मैट आपको नहीं पसंद तो आप इसको लगा के उसको अच्छा सा एक इफेक्ट दे सकते हैं। तो लिक्विड ग्लिटर जो हैं वो भी आपने अगर ग्लिटरी आईलाइनर लगाना है तो आप लिक्विड ग्लिटर के साथ लगा सकते हैं, और यही सारे तरीके हैं जी, इन तरीकों से यूज किया जाता है। एक और बात के ज्यादा जो एजिड लोग हैं उनको ग्लिटर्स यूज नहीं करने चाहिए, वो और उनके साथ उनकी स्किन जो है ना वो एजिड लगती है और बहुत अच्छे नहीं लग रहे होते, सटल फॉर्म में नहीं नजर आ रहे होते, तो उनको अवॉइड करें, ठीक है ना। जैसे 50 प्लस लोग हैं तो उनके लिए ग्लिटर्स जो हैं वो नो है, नहीं अच्छे लगते उनपे। ये है कि शिमरी शेड्स आप लगा सकते हैं, और मुझे यकीन है कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रही होगी। और अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ आप गाइडलाइन लेना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में तो मुझे जरूर गाइड करें, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो डिजाइन कर दूंगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के नीचे आके कीजिएगा, मैं आप लोगों को आंसर करूंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट अच्छी सी क्लास में, मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियोस देखा करें, पूरी क्लासेस देखा करें, तो आप लोगों को बहुत अच्छा जो है वो नॉलेज मिलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।